हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई सुनील यादव एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन कैम्प स्पेस चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एंड प्रे टू गॉड दैट ऑल योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड योर लव फॉर देम माइट बी लाइफ लॉन्ग एंड दैट इटर्नल लव शुड बी मोर डीपन एंड मोर कंसनट्रेटेड एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल वेरी गुड विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो आई प्रे टू गॉड दैट यू ऑल एक्सेल इन योर लाइफ एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। सो टुडे आई एम हेयर टू डिलीवर अ लेक्चर ऑफ क्लास 12th एंड टुडे On this special occasion of Raksha Bandhan, I am going to start with this with a very special chapter and with a new topic, with a new chapter that is solid state. Solid state जो कि chemistry के chemistry का एक बहुत ही important chapter है और class 12th के board point of view से भी, competition point of view से भी, हर एक point of view से solid state अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उसी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिएगा, आइएगा फटाफट से सब लोग जुड़ जाइए और देखिएगा क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जरा देखिएगा। चलिए बेटा जी, सॉलिड स्टेट जो है ये क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है। क्लास ट्वेल्थ के अंदर चैप्टर नंबर 1 होता है ये हमारा। लेकिन उससे पहले मैं जब सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम लोग मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे कुछ बातें मैटर के बारे में करूंगा। अब मैटर हम उस चीज को कहते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। इस दुनिया में अगर कोई भी चीज ऐसी है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो या उसके अंदर कुछ मास हो, वो हर चीज बेटा जी क्या होती है? मैटर होती है। जिस जगह पर आप बैठे हैं अभी फिलहाल, उसके आसपास जो भी चीजें आपको नजर आ रही होंगी, वो सब चीजें मैटर ही होती हैं। सारी चीजों को हम मैटर कहते हैं। तो मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? क्योंकि मैटर को बेसिकली हमारे लिए तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सॉलिड, तीन स्टेट्स होते हैं मैटर के बेसिकली, सॉलिड स्टेट, देन लिक्विड स्टेट एंड देन गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट जो होता है ये क्लास ट्वेल्थ का जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 1, लिक्विड स्टेट सॉल्यूशंस नाम का जो चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है क्लास ट्वेल्थ के अंदर ही, वो लिक्विड स्टेट होता है हमारा। और गैसियस स्टेट क्लास 11th के अंदर फिफ्थ चैप्टर, आप गैसियस स्टेट के नाम से ही पढ़ते हैं। वहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर लिखा है, लेकिन वहाँ पर चैप्टर का नाम स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, लेकिन पढ़ते हैं हम लोग वहाँ पर गैसियस स्टेट है। तो ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस क्या होता है। सॉलिड्स वो होते हैं जिनका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उनको हम सॉलिड्स कहते हैं। जिनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता, जो शेप जिस बर्तन में आप उनको डालोगे, जिस भी कंटेनर में आप उनको डालोगे, वो शेप उसी की ले लेंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड्स कहते हैं। उनको हम लिक्विड स्टेट कहते हैं, लिक्विड्स कहते हैं। लेकिन अगर बात आए गैसेस की, तो गैसियस स्टेट कौन सा होता है? गैसियस स्टेट वो स्टेट होता है जिसका ना ही तो कोई पर्टिकुलर शेप होता है, ना ही कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स्ड डेफिनेट वॉल्यूम, ना ही डेफिनेट शेप होता है। ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग गैसियस स्टेट कहते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड्स की बातें। तो सॉलिड्स के अंदर क्या खास बातें हैं, क्या अलग है बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर से? तो आइएगा सबसे पहले सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिएगा सॉलिड्स कौन कौन से स्टेट्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको डिफाइन करूं, विच हैव डेफिनेट
शेप एंड वॉल्यूम, जिनके अंदर क्या होता है डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उन्हीं को हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। उसके बाद विच पजेस रिजिडिटी, जो रिजिडिटी शो करते हैं यानी कि रिजिड होते हैं, बहुत ही हार्ड सी चीजें होती हैं, उनको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, सॉलिड्स कहते हैं, सॉलिड्स की कैटेगरी में हम लोग डाल देते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट, विच हैव हाई डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है, उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिनको हम बता करके, जिनको हम यूज करके सॉलिड्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर अपने आप में, लेकिन हमारे पास पूरा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उस पूरे चैप्टर को समझना है हमें, पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली, कॉन्सेप्चुअली सारी बातों को क्लियर समझना है। तो उसके लिए आप लोग रेगुलरली, आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा सॉलिड का, इसके बाद जो भी लेक्चर्स आएंगे यानी आज के लेक्चर से लेकर के और कंटिन्यूअसली जो भी लेक्चर्स सॉलिड्स के ऊपर मिलते जाएंगे, आप कंटिन्यूअसली लेक्चर्स को अटेंड करते रहिएगा, तो आपको सारी चीज़ों की बिल्कुल क्लियरली, सारी चीज़ों की बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन और क्लियर कॉन्सेप्ट आपके हो जाएंगे। तो आइएगा, आप हम बात करते हैं कि ऐसा होता ही क्यों है कि सॉलिड स्टेट में कोई चीज़ एग्जिस्ट क्यों करती है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे क्यों होते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, कुछ ऐसे क्यों होते हैं लिक्विड स्टेट में होते हैं, और कुछ ऐसे क्यों होते हैं जो गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं यहां पर, व्हाई डू सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, कुछ एक सब्सटेंसेस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, या सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट ही क्यों करता है, इस बात की क्या रीजन है, इस बात का क्या मतलब है। देखिएगा, किसी भी चीज को किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड में कर रहा है, गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ये चीज दो पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट पॉइंट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फर्स्ट पॉइंट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एंड सेकेंड पॉइंट इज थर्मल एनर्जी, सेकेंड वन इज थर्मल एनर्जी। दो पॉइंट्स होते हैं किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए। अब सॉलिड स्टेट्स के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा जी, आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, विद वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो जिस बॉन्ड से वो, जिस बॉन्डिंग से, जिस भी तरीके से वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से वो जुड़े हुए हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, उसी स्ट्रॉन्ग फोर्स के होने की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे कि हमारा सॉलिड बना हुआ है, अब उन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से वो पार्टिकल्स को कुछ इस तरीके से अलाइन करते हैं कि वो उन पार्टिकल्स को एक साथ एग्जिस्ट कराते हैं, यानी एक साथ सारे पार्टिकल्स बाइंडेड होते हैं, एक जगह जुड़े होते हैं, और उनको फोर्स इस तरीके का होता है कि पार्टिकल्स को हिलने नहीं देता, वो अपनी पोजिशन से, एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन पर चेंज, पोजिशंस को चेंज नहीं होने देता, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स वहां पर, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। अब इस तरीके से क्या होता है, बस केवल और केवल ओनली द पार्टिकल्स कैन ओनली
वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन, यानी कि पार्टिकल्स के पास एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने की तो कोई फ्रीडम है ही नहीं, लेकिन बस इतनी फ्रीडम है कि पार्टिकल अपनी जगह पर बैठ करके इस तरीके से वाइब्रेट करता रहे, बस बैठ करके वाइब्रेट कर सकता है, इतनी फ्रीडम है उस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के एग्जिस्ट करने के बाद। अब बात आती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय सब्सटेंस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से किसी भी सब्सटेंस के पास जो एनर्जी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी क्या होता है? थर्मल एनर्जी ही क्या करती है? हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो करती है, पार्टिकल्स एक जगह बंधे हुए रहे, एक जगह जुड़े हुए रहे, एक जगह एग्जिस्ट करें, एक ही जगह बैठे रहे। लेकिन थर्मल एनर्जी क्या करती है? थर्मल एनर्जी, पहली बात तो एनर्जी वो होती है जो टेम्परेचर की वजह से एनर्जी होती है। दूसरी बात, थर्मल एनर्जी क्या करती है कि थर्मल एनर्जी चाहती है कि पार्टिकल्स को मूव कराए। पार्टिकल्स से टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स मूव करेंगे, जितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी, और जितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी उतना ही ज़्यादा पार्टिकल्स के मूव करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। तो बेटा जी देखिए, थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक तरीके से दोनों अपोजिट चीज़ें होंगे। इसीलिए क्या होता है जनरली, इसीलिए देखिएगा जनरली क्या होता है, सब्सटेंसेस एग्जिस्ट्स एज सॉलिड ओनली एट लो टेम्परेचर। केवल और केवल लो टेम्परेचर के ऊपर ही क्या होता है, सब्सटेंसेस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, जनरली ऐसा होता है। क्यों होता है? वाई होता क्यों है ऐसा? वाई बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, बिकॉज एट लो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इज मिनिमम। थर्मल एनर्जी क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है, कम से कम हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर पाएगा। यानी थर्मल एनर्जी बहुत कम होगी तो फिर पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे, और पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा लो टेम्परेचर पर? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट। लो टेम्परेचर पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे हो जाएंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करना शुरू कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब थर्मल एनर्जी मिनिमम हो गई और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट हो गई, तो पार्टिकल्स क्या हो गए, अपनी जगह पर फिक्स हो गए, अपनी पोजिशन पर बिल्कुल एज इट इज फिक्स रहेंगे, पोजिशन को चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन पोजिशन पर बैठ करके क्या कर सकते हैं, केवल वाइब्रेट कर सकते हैं। वाइब्रेशन अपनी मीन पोजीशन पर बैठ करके वाइब्रेट कर सकते हैं, इतना फ्रीडम बस उनके पास होगा। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये बातें क्लियरली समझ आई है आपको तो फिर आइएगा, मैं आपको लेकर के चलता हूं सॉलिड्स की कैटेगरी के अंदर। सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं हम लोग आगे आकर के। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स इंटू क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस सॉलिड्स।
क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉलिड्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। बेटा जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है जनरली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ज़्यादातर कई बार क्वेश्चन आया है इसमें और बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आइएगा हम क्रिस्टलाइन और एमोरफस सॉलिड्स को समझते हैं जरा क्या होता है। वट आर क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस सॉलिड्स, इनके बीच में डिफरेंस हमें समझना है। अब डिफरेंस को समझिएगा जरा, आइएगा फटाफट से डिफरेंस को समझना स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, जैसे समझना है पहले, सबसे पहले आपको ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे कि हमारा सॉलिड बना हुआ है। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन के अंदर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो आपको कुछ रेगुलर अरेंजमेंट नजर आ रहा होगा, लेकिन यही पॉइंट जब हम लोग फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग एमरफस के अंदर डिस्कस करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट मिलेगा। पार्टिकल्स तो आपको यहां पर भी मिलेंगे जिनसे कि सॉलिड बना होगा, लेकिन अरेंजमेंट जो होगा पार्टिकल्स का वो कुछ ऐसा होगा। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट मिलेगा आपको ऐसा, देखिएगा। अब देखिएगा क्या होता है बेटा जी, याद कैसे रखेंगे आप इस चीज को। जैसे कि सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले लूँ आपके सामने, एग्जांपल क्या ले लिया जाए कि भाई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ऐसा कि मैं कहता हूँ आपको, जैसे सुबह स्कूल में बच्चा गया, जब बच्चा मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हैं, सारे बच्चे स्कूल में मॉर्निंग असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली में होता है तो रेगुलर अरेंजमेंट में होता है, वन एंड डिस्टेंस पर खड़े होते हैं हर बच्चा, तो वो जो अरेंजमेंट आपको नजर आता है वो कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है और उसी को हम क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट कहते हैं। तो हम पहले पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज रेगुलर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा। लेकिन जब उसी बच्चे को, उन्हीं बच्चों को, स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हीं बच्चों को अगर हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग उन बच्चों को छोड़ दें अपने हाल पर, यानी मॉर्निंग असेंबली के अलावा मान लो लंच ब्रेक में उनको छोड़ दिया जाए, तो लंच ब्रेक में अपनी मर्जी से हर बच्चा रैंडमली ओरिएंटेड होगा, अपनी मर्जी से ओरिएंटेड होगा, कोई कैंटीन में होगा, कोई स्कूल की बिल्डिंग के अंदर होगा, कोई ग्राउंड में होगा, कोई कहीं ना कहीं इस तरीके से रैंडम ओरिएंटेशन में होगा। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, कुछ उस तरीके का ही एमरफस सॉलिड होता है, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इरेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का इनके अंदर। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा बेटा जी, जैसे अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक पॉइंट से चला, नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा, उससे नेक्स्ट वाला भी उतने डिस्टेंस पर, ऐसे ही प्रॉपर डिस्टेंस पर बैठा होंगे हर एक चीज। तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में, चाहे ऊपर से नीचे जाएं, चाहे लेफ्ट से राइट जाएं, कहीं पर भी आपको स्ट्रेट लाइन में जब भी चलेंगे तो आपको रेगुलरली पर्टिकुलर डिस्टेंस पर बार बार आपको क्रिस्टलाइन के अंदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स मिलते जाएंगे। तो ये एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं, यानी बहुत दूर तक इसी तरीके का अरेंजमेंट आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ पोजेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर।
ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं, दे फॉलो, फॉलो लिख सकते हैं हम लोग, शो से ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा हमारे लिए, फॉलो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन जब आप एमर्फस सॉलिड्स के अंदर चलेंगे तो देखिएगा ऐसे चले आप, ये आ गया आगे एक पार्टिकल आ गया, लेकिन उसके बाद आगे जा करके कोई भी पार्टिकल आपको नहीं मिल रहा है। फिर मान लो इस तरीके से आपको कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है, पर्टिकुलर कुछ तरीका नहीं है कि कहाँ पर आपको जा करके दूसरा कॉन्स्टेंट पार्टिकल मिलेगा। तो सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग एमर्फस के अंदर लिखेंगे, दे शो फॉलो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दे फॉलो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनका ऑर्डर किस तरीके का होता है, कैसा ऑर्डर शो करते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं ये लोग। तो अगर ये बातें आपको क्लियरली समझ आई है तो फिर हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। इसको क्लियर कर देता हूं मैं यहां से सारी चीजों को, ये सारी चीजें हम लोग क्लियर कर देते हैं और फिर हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं फटाफट से। देखिएगा थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं, ये क्रिस्टलाइन जो होते हैं इनकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्रिक शेप होती है, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप, इनकी शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है, डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होती है। लेकिन एमर्फस की दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप, इनकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना बेटा जी, वो बहुत ही शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस बात को समझिएगा जरा। इधर मैं फोर्थ पॉइंट अमरफस का भी बताता हूं पहले आपको, दे मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये एक टेम्परेचर रेंज के अंदर मेल्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा शार्प होता है। जैसे सपोज दैट मैं कहता हूं कि NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मान लो मैं कह देता हूं कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 150 डिग्री सेल्सियस है, तो बेटा जी NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, 150 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट करेगा वो। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसी अमरफस सॉलिड की, ग्लास की बात करूं, प्लास्टिक की बात करूं, तो उनकी एक रेंज होती है। मान लो उनकी रेंज है 140 से 160 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्ट करने की, तो वो कोई पर्टिकुलर फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है उनका, उस रेंज के बीच में कहीं पर भी मेल्ट कर सकते हैं वो। इसलिए इसलिए क्या बोला जा रहा है, दे मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, उसके बाद क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिफ्थ पॉइंट भी। फिफ्थ पॉइंट में है कि अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कोई जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या इस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती है, अगर क्रिस्टलाइन के अंदर चेक करते हैं, तो वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर जब चेक करते हैं ना हम लोग, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 कंस्टेंट पार्टिकल्स आए, लेकिन अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम चले तो 3 कंस्टेंट पार्टिकल्स आए। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको नजर आएंगी। प्रॉपर्टीज सच एज, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इस तरीके की प्रॉपर्टीज अगर आप क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर चेक करते हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं, इसीलिए हर डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी मिलती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। कैसे होते हैं? एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज नहीं मिलती है हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टीज मिलती हैं। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टीज आप अमरफस सॉलिड्स के अंदर देखते हैं तो क्योंकि अमरफस सॉलिड में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है तो आपको सारी डायरेक्शंस की प्रॉपर्टी निकाल करके उनका एवरेज निकालना होगा, और एवरेज प्रॉपर्टी हमेशा सारी डायरेक्शन में सेम ही मिलती है आपको, जब भी आप एवरेज निकाल लोगे तो सेम ही मिलेगा। तो इसीलिए इनको कहते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, यानी कि इनकी हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो सब सेम मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद एक बात और बता देता हूं मैं आपको, इसको सबको क्लियर कर देता हूं। अब सिक्स्थ पॉइंट में बता देता हूं, दे हैव हाई हीट ऑफ फ्यूजन, इसके अंदर लो हीट ऑफ फ्यूजन। लो टेम्परेचर पर फ्यूजन हो जाता है इनमें, लो हीट सप्लाई करने पर। ये दे अंडरगो शार्प क्लीवेज व्हेन कट विद ए नाइफ, जब इनको चाकू से काटा जाता है तो ये शार्प क्लीवेज देते हैं। लेकिन दे अंडरगो रफ क्लीवेज, इनका क्लीवेज कैसा होता है? रफ होता है। ये कुछ पॉइंट्स थे डिफरेंस के क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड्स के अंदर। और ये सब बातें हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को इसके बाद कंटिन्यू करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को सारा हमें पढ़ना है इससे आगे। अमरफस सॉलिड के बारे में आप इससे ज़्यादा आगे नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कशन होगा इससे आगे पूरे चैप्टर के अंदर। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकिन ये अमरफस और क्रिस्टलाइन का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इस चीज़ को आप समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। उसके साथ साथ एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं अमरफस और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जितने भी मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सब क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल होते हैं। लेकिन जो भी प्लास्टिक आप देखते हैं, रबर देखते हैं, ग्लास देखते हैं, पॉलीमर देखते हैं, वो सब क्या है? वो बेटा जी वो सारे के सारे अमरफस सॉलिड्स के एग्जांपल होते हैं। तो इसी वजह से क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं और अमरफस सॉलिड्स को हम शूडो सॉलिड।
सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।